मैं मोहम्मद रफीक, प्रवक्ता अंग्रेजी, आदर्श राम इंटरमीडिएट कॉलेज चकशाम किराऊ प्रयागराज। आज आप लोगों को यूज ऑफ कुड, इसके पहले मैंने आपको यूज ऑफ कैन को बताया था। ये कैन का पास्ट टेंस है, जिसका मतलब होता है सकता, था या सका। आप देखेंगे जैसे मैं सड़क पर दौड़ सकता था, मैं तुमको 100 रुपए दे सकता था, वह कमरे में बैठ सकता था, वह मेरी कलम ले सकता था, बच्चा मैदान में खेल सकता था, अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकते थे। आप देख रहे हैं कि इसमें कर्ता जो है उस कार्य को करने में सक्षम है, यानी उसकी शक्ति है, वो इस काम को कर सकता है। ऐसे वाक्यों का निर्माण कुड से होता है। सबसे पहले आप लाएंगे सब्जेक्ट, क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कुड, उसके बाद वी फर्स्ट क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कहाँ, कब, क्यों, कैसे। बड़ा सा बड़ा वाक्य अंग्रेजी में इस तरह से बन जाएगा, जैसे मैं सड़क पर दौड़ सकता था तो बनेगा आई कुड रन ऑन द रोड, मैं तुमको 100 रुपया दे सकता था, आई कुड गिव यू 100 रुपीज, वह कमरे में बैठ सकता था, ही कुड सिट इन द रूम, वह मेरी कलम ले सकता था, ही कुड टेक माई पेन, बच्चा मैदान में खेल सकता था, चाइल्ड कुड प्ले इन द फील्ड, अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकते थे, टीचर्स कुड टीच स्टूडेंट्स। अगर ये वाक्य निगेटिव हो जाएगा तो इसी कुड के बाद नॉट लग जाएगा, जैसे मैं सड़क पर दौड़ नहीं सकता था तो इसका निगेटिव हो जाएगा आई कुड नॉट रन ऑन द रोड, मैं तुमको 100 रुपए नहीं दे सकता था, आई कुड नॉट गिव यू 100 रुपीज, वह कमरे में नहीं बैठ सकता था, ही कुड नॉट सिट ऑन द इन द रूम, वह मेरी कलम नहीं ले सकता था, ही कुड नॉट टेक माई पेन, बच्चा मैदान में नहीं खेल सकता था, चाइल्ड कुड नॉट प्ले इन द फील्ड, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, टीचर कुड नॉट टीच स्टूडेंट। अगर ये वाक इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, यानी वाक की शुरुआत क्या से हो जाएगी, जैसे क्या मैं सड़क पर दौड़ सकता था, क्या तुम को 100 रुपया दे सकता था, क्या मैं तुमको 100 रुपया दे सकता था, क्या वह कमरे में बैठ सकता था, क्या वह मेरी कलम ले सकता था, क्या बच्चा मैदान में खेल सकता था, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकते थे। ये क्या लग गया और इस वाक के अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये वाक प्रश्नवाचक बन गया। अब इसका ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में होगा तो यही कुड निकल करके कर्ता के पहले आ जाएगा। देखें, पहला वाक क्या मैं सड़क पर दौड़ सकता था, कुड आई रन ऑन द रोड क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या मैं तुमको 100 रुपया दे सकता था, कुड आई गिव यू 100 रुपीज। क्या वह मेरे कमरे में बैठ सकता था, कुड ही सिट इन द रूम। क्या वह मेरी कलम ले सकता था, कुड ही टेक माई पेन। क्या बच्चा मैदान में खेल सकता था, कुड चाइल्ड प्ले इन द फील्ड। क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकते थे, कुड टीचर टीच स्टूडेंट। ध्यान दें, ये वाक डबल इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, मतलब ये वाक जैसे हो जाए मैं सड़क पर क्यों दौड़ सकता था, तो आपको यहाँ पर WH वाई हो जाएगा, ठीक। और अगर ये हो जाए कि मैं तुमको 100 रुपया क्यों दे सकता था, तो यही प्रश्नवाचक वाई जो है कुड से पहले लग जाएगा, ठीक। ये वाक डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। इसी तरह से हर जगह आप वाई लगा देंगे, ये वाक डबल इंट्रोगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू।